करता है वो तकलीफ हो रही है, तकलीफ क्या करो वाले हेलो उधर पीछे हो जी हां के लिए बैठ माना जाए तो एक मजदूर की मौत का ये मुआवजा कहीं ना कहीं भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जब इसी देश में एक साइरस मिस्त्री नाम के टाटा के पूर्व सीएमडी का देहांत होता है तो ये बकायदा सर्वे होता है कि उनकी मृत्यु कैसे होती है। फिर सर्वे में पाया जाता है कि पीछे बैठे थे, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था, तो बकायदा एक नियम बन जाता है भारत देश में कि चूंकि साइरस मिस्त्री मर गए हैं वो दिन दुनिया के भारत देश के बहुत नामी धनी व्यक्ति थे, सीएमडी रह चुके हैं टाटा के, तो उनकी मौत हो जाती है, दस पीछे के लोग भी सीट बेल्ट पहनेंगे क्योंकि साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं पहना था। यानी एक अमीर आदमी मरता है तो पूरे देश में हड़कंप मचता है, तुरंत कानून में बदलाव होता है, एक नया कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ प्रत्येक दिन, मुझे लगता है प्रत्येक सप्ताह मजदूरों की मौत होती है, लेकिन सेफ्टी को लेकर, उनकी मुआवजा को लेकर, उनके पीड़ित परिवार को नियोजन को लेकर आज तक कोई कानून नहीं बना है। तो ऐसे में थोड़ा सा बहुत दुर्भाग्य का विषय है, बहुत पीड़ा का विषय है, और आज लोकतंत्र के माध्यम से पूरे देश की जनता तक मेरा ये संदेश रहेगा कि क्या वास्तव में जो भगत सिंह कहते थे कि असल आजादी कारखानों में छुपी है, असल आजादी खेतों में छुपी है, क्योंकि भारत की असल आजादी के नायक जो होंगे वो किसान और मजदूर होंगे, तो आज तो किसान और मजदूर की तो कोई बात ही नहीं करता है, आज तो सब कंपनियों की बात करता है। लॉजिकली देखिए, यहाँ जितने प्रशासन भर है, मैं लॉजिकली बात करता हूँ, गोमिया थाना ऑलरेडी है तो यहाँ इस थाने की क्या दरकार थी, 5 किलोमीटर कोई थाना नहीं बनता, लेकिन इसलिए बना है क्योंकि कंपनी यहाँ है। तो ये सवाल आज भी खड़ा होता है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आज भी भारत देश में बरकरार, इसका मतलब आप, चूंकि मैं जहां रहता हूं, एक राजगंज थाना है, एक तोपचांची और निमियाघाट है, सभी थानों की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, यानी आम व्यक्ति के लिए 15 किलोमीटर थाना होता है, लेकिन अगर वहां कंपनी स्थापित होती है तो 5 किलोमीटर, चलिए भाई कंपनी प्रोडक्शन करती है, कंपनी को सुरक्षा देना चाहिए, तो ये कौन सा प्रोडक्शन कि मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी से भी क्रूर शासन व्यवस्था है। आज एक मजदूर मौत हो जाता है और शुरुआत होता है 50,000 से, आप मछली बेचने आए हैं या साग सब्जी बेचने आए हैं कि मजदूर की मौत का मुआवजा का आप मैंने मोल भाव करते हैं और फाइनली 4 लाख 5 लाख 7 लाख होते हुए 10-12 लाख में समाप्त होता है। तो इसीलिए हालांकि जो भी आज निष्कर्ष आएगा, जो भी मुआवजा मिलेगा, हो सके परिवार को राहत मिलेगा, लेकिन एज ए ह्यूमन की बात कही जाए, आज जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे क्योंकि मोल भाव नहीं होना चाहिए। एक देश का अमीर आदमी मरता है तो आप सीट बेल्ट का नियम लेके आते हैं कि सीट बेल्ट नहीं पहना तो अमीर आदमी मर गया, मजदूर रोज मर रहा है, कोई सेफ्टी का रूल्स नहीं है, उसकी मुआवजा को लेकर कोई रूल्स नहीं है। अरे कम से कम एक ढंग का मुआवजा होना चाहिए जिससे उसका परिवार में जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अच्छी शिक्षा हासिल कर सके, अपने आप को कम से कम एस्टेब्लिश कर सके, लेकिन ये पीड़ा का विषय है। तो इसीलिए अब आज फिलहाल जो भी मुआवजा मिला जाए, दिया जाएगा, या फिर उसके परिवार में एक नौकरी की बात है, उसे ड्राफ्टिंग बकायदा हो रही है, और कुल मिलाकर कहा जाए तो सबसे जो बड़ी बात है, हालांकि हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, जितनी भी फैक्ट्रियां खड़ी हैं, जितनी भी कंपनियां खड़ी हैं, विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, बगल के विधायक रहे, सबको झोला भर के जाता है। तो एक आम आदमी, हम लोग छात्र हो जाते हैं, लड़ने में थोड़ी असुविधा होती है, उसके बाद जहां विधायक और पूर्व विधायकों की एंट्री हो जाती है, जब वहां हमारी एंट्री होती है तो हम जानते हैं कि थोड़ा सा चूंकि साख का सवाल है। अब मान के चलिए अगर हम, अगर कोई विधायक और पूर्व विधायक नहीं आता तो वचन है बेहतर रिजल्ट होता, कोडरमा भी हम गए थे, लेकिन चूंकि वहां जब पॉलिटिकल पर्सन का इंटरफेयर होता है तो चूंकि उसका साख का विषय है कि धनबाद का लड़का है, आयकल का लड़का है, बेटा हम लोग बात किए इतना का 10 रुपया के 12 देके दिला के चला जाएगा मुआवजा में, तो साख का विषय आता है। ये साख का विषय भी, ये एटीट्यूड जो विधायकों का रहा है, उस कारण भी मजदूरों को नुकसान होता है। आपका क्यों आते हैं, आपके कहने का मतलब कि जो गोमिया के पूर्व विधायक, पूर्व विधायक आए हैं, वर्तमान विधायक आए हैं, बगल का विधायक उड़ा दे सब आया है, आपके मतलब अगर वे लोग नहीं आते तो मुझे लगता है हम लोग सेटिस्फेक्शन हो पाते हैं या फिर बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। अपना पहचान बरकरार रखने के लिए नहीं, साख पहचान नहीं, पहचान का मैटर नहीं, साख जो हम लोग साख बोलते हैं, अपना माने एटीट्यूड, अपना उसको बरकरार रखने के लिए, जाहिर सी बात है पहले आए हैं तो हम लोग क्यों आएंगे, हम तो बार बार चाहते हैं हम गोमिया क्यों आएंगे, मेरा घर तो चाहिए, हम अपना अपना क्षेत्र को नहीं देख पाते, हम गोमिया क्यों आएंगे, हमारे गोमिया में, लेकिन जो लोग अच्छा काम करेंगे अगर वो बेटर करते हैं तो हमें गोमिया आने की जरूरत नहीं है। आज मोटा मोटी इससे पहले जहां विधायक लोग इंटरफेयर नहीं किया, वो लोग बेटर रिजल्ट किए, मेदांता में बकायदा हम लोग फोन पे से मुआवजा दिलवाएं, जो शायद इतिहास में नहीं हुआ होगा। तो इसलिए थोड़ा सा पीड़ा, इसलिए मेरा मानना है कि अब थोड़ा सा जनता को भी जागरूक होना होगा, मजदूरों को भी जागना होगा, किसानों को भी जागना होगा कि आपकी मौत की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपकी मौत की अगर वैल्यू की कोई चर्चा करे तो सदन में चर्चा होनी चाहिए। अतः आज के तमाम झारखंड में जो भी मजदूरों को लेकर आज प्रताड़ना हो रही है उसको लेकर उन्हें सबक लेना होगा और ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में चुनना होगा जो सदन में बात को रख सके। आज सिर्फ कहते हैं ये किसानों का देश है, अभी भारत के पर्वतमाला प्रोजेक्ट जो बनारस से लेकर कलकत्ता तक जाएगी, उन्हें पुणे दाम में जमीनें ली जाएगी,
जिसमें हमारा 159 किलोमीटर झारखंड में आएगा, बिहार में 167 किलोमीटर के आसपास आएगा, बंगाल में लगभग 242 किलोमीटर के आसपास आएगा। जमीनें किसकी जाएगी? किसानों की। और ये डंका पीटते हैं किसानों का देश है। कहाँ किसानों का देश है भाई? कौन लॉजिकली बात रखता है? कौन वहाँ सदन में रखता है कि भाई क्या रेट होना चाहिए? 5,000-4,000 में कोड़ी के भाव जमीन ले लिए, और किसके लिए बना? कौन सा किसान बनारस से कलकत्ता जाएगा भाई? किसको जरूरत है? सब कॉर्पोरेट्स को देख के बना जाता है। तो कॉर्पोरेट से कब मुक्ति पाएगा यह देश? कॉर्पोरेट से मुक्ति नहीं पाएगा तो फिर साफ साफ हटाइए, लिखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, और वही शासन चल रहा है। तो इसीलिए आज बहुत दुर्भाग्य का विषय है। आप, मुझे लगता है ये केवल झारखंड का समस्या नहीं भाई, पूरे भारत के लोगों को आज जो कैपिटलिज्म जो जिस प्रकार से हावी हो रहा है, जिस प्रकार से आम व्यक्ति की सोच को खत्म कर रही है, वहाँ मेरे हिसाब से अब देश को एक नए मूवमेंट की दरकार है। और साथ ही आज जो भी बात हुई है पब्लिकली, बकायदा उनके फैमिली वालों के साथ भी पूछ लेंगे। खैर जो भी आया है, कहावत है भागते भूत की लंगोटी भली, तो उसे स्वीकार किया जाए। और टाइगर जयरामतो को आना, हर कंपनी का मुआवजा, अगर ऐसे हर जगह आप टाइगर जयरामतो, पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि ये हम लोग बोकारो में थे और 30-40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है, हार्डली 50 तो हम लोग कवर कर लेते हैं, और इसीलिए आना पड़ता है। बाकी हम लोग ऐसा कोई, हम लोग आने की कोई इच्छा नहीं होती है। हम लोग भी चाहते हैं कि मजदूर की मौत ही ना हो भाई, हम क्यों जाएंगे उस मसले पे। लेकिन जब ऐसा हो जाता है अनहोनी, तो आना पड़ता है। हम तो बकायदा क्यों चाहेंगे? हम लोग को मैंने मजदूरों की मौत पर जाके हमले अब कुछ नहीं करना है। बस हम लोग यही चाहते हैं उसकी सेफ्टी पर ध्यान रखा जाए, तमाम जो कंपनियां एक सेफ्टी का गाइडलाइन प्रोवाइड हो, अब उस गाइडलाइन का अनुपालन हो। ये तो कोई मजाक का विषय नहीं। आए दिन डीवीसी में मौत होती है, यहाँ मौत होती है, वेदांता में मौत होती है। यार मौतों से कोई सबक ही नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि मौत मजदूर की हो रही है, कोई सबक नहीं। अचानक ये 10 साल बाद अगर मौत होती, चलिए हम मानते भाई अचानक कोई एक्सीडेंटली हुआ, चलिए मजदूर की मौत हो गई। कंटिन्यू इसी बोकारो जिला की मैं बात कर रहा हूँ, वेदांता में मौत हुई आपका लगभग, वेदांता में तो गिनती नहीं है, वेदांता की हम गिनती नहीं कर पाएंगे, इतना मौत हुआ है। हाल फिलहाल डीवीसी में हुआ, आज यहाँ हुआ, हमेशा तो मजदूरों की मौत हो रही लापरवाही के कारण। तो क्यों, आखिर कब सेफ्टी का बात कब होगा? और सेफ्टी के साथ साथ अगर अनहोनी घटना घटती है तो एक उचित मुआवजा होना चाहिए, जो वास्तव में लगे कि हाँ वो परिवार आगे अपना गुजर बसर कर सकता है। 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मुर्गी छगरी नहीं होता है भाई उतना में, साल भर में मुर्गी छगरी लोग का, पशु पक्षी लोग का आहार उतना हो जाता है। तो ये बाकायदा ये सिस्टम बदलना चाहिए, और इस सिस्टम को बदलने के लिए मुझे चाहिए और हमें मेरा मानना है कि सदन में बात रखनी चाहिए। सड़क पर तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, रात से बैठे हैं, आपके लोकतंत्र के माध्यम चौथे स्तंभ के माध्यम से अपनी आवाज़ को भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब तक सदन में बातों को नहीं रखा जाए, सदन में जब तक पेश नहीं किया जाए, जिस प्रकार वहाँ बिल पेश होता है, जब तक इन बातों को वहाँ कोई पेश नहीं कर पाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है मजदूरों के हितार्थ के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे। मजदूरों की इसी प्रकार मौत होती रहेगी, आंदोलन होंगे, सड़क जाम होंगे, धरना बैठेगा, कुछ औने पौने दाम में मुआवजा दिया जाएगा, फिर फाइलों को बंद कर दिया जाएगा, फिर अगला मजदूर किसी दिन मारा जाएगा, कोई कानून नहीं। हम लोग तो बार बार उनसे कह रहे हैं कि अगर मैंने जो उनका फैमिली है, मेंबर है, उनको बिल्कुल हमेशा के लिए नियोजन में रखा जाए, एक बढ़िया मुआवजा मिला जाए, ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, जीवन यापन हो सके।